जय हिंद दोस्तों, मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2 अप्रैल 2018 के जन आंदोलन भारत बंद में बहुजन समाज के भीम सैनिकों की सक्रिय भागीदारी व नेतृत्व देने के उपलक्ष में भीम सैनिकों को बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि वहाँ का आयोजन कैसे होने जा रहा है। मिलेंद्र गौतम जी, हमारे दर्शकों को बताइए वहाँ प्रोग्राम क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और कैसे हो रहा है। निशा जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो महासम्मान प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा मंच ये बना रखा है, बहुत सुंदर मंच बना हुआ है, बहुत भिक्षु बैठे हुए हैं और भी बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। सांस्कृतिक भी प्रोग्राम रहेगा यहाँ पर, इस प्रोग्राम को किया जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि रामलीला ग्राउंड मैदान है दिल्ली का, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जो ये प्रोग्राम हो रहा है आप देख सकते हैं, बहुत भव्य प्रोग्राम है, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। मंच भी 3 तरीके के बनाए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला मंच जो है वो म्यूजिक के लिए है, जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा ये उसके लिए है। राजू भारतीय जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। और दूसरा मंच जो है, जितने भी लोग पीड़ित हैं, परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों को वहाँ पर बैठाया गया है मंच के ऊपर। और तीसरा मंच थोड़ा सा ही ऊंचा और है, जिनमें हमारे जितने भी लोग शहीद हुए उन लोगों की प्रतिमा लगाई गई है। और निशा जी मैं आपको ये भी बता दूं कि तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब और सम्राट अशोक की भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मूर्ति लगाई गई है। मिलिंद जी, जितने लोग शहीद हुए क्या उनको ही सम्मान दिया जाएगा? जो घायल हुए हैं, जिनको गोली लगी है या जेल गए हैं, उनको भी सम्मान दिया जाएगा? निशा जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग घायल हुए थे या शहीद हुए थे, इन शहीदों की मूर्तियां जो हैं वो यहां पर बारी बारी लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सभी शहीदों की मूर्तियां लगाई गई हैं, और 13 मूर्तियां हैं ये, जो 13 लोग शहीद हुए थे उन 13 लोगों की ये मूर्तियां हैं। और निशा जी मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने लोग घायल हुए थे और जितने भी लोगों को गोली लगी या घायल हुए या जेल में गए, उन सभी का यहाँ पर सम्मान होगा। मिलन जी, रामलीला मैदान में कितने लोगों की तादाद है वहाँ पर आने की, हमें बताइए जरा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लोगों की तादाद कितनी है। जी हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा निशा जी, जो 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था, 2 अप्रैल भारत बंद के बाद जितने भी प्रोग्राम हुए, जितने भी आंदोलन हुए या जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, वहाँ पर लोगों की जनसंख्या जो थी वो बहुत कम थी। और आज यहाँ पर जो जनसंख्या है आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, कि पूरा एंड तक पूरा भरा हुआ है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये हज़ारों की तादाद में जो लोग पहुँचे हैं, इनको किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया, किसी को दबाया नहीं गया कि आपको आना ज़रूरी है। ये वो लोग हैं सभी जो इन शहीदों को सम्मान देने के लिए और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको सलूट करने के लिए आए हैं। जिनको गोली लगी थी या जो घायल हुए थे, उन लोगों को भी वो सम्मान देने के लिए आए हैं। उनकी भावभीनी, इन सभी लोगों की भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर जा रही है। मिलिंद जी, जितने भी बहुजन समाज के लोग आए हुए हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रोग्राम के बारे में, आप बताइए। जी हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको उन लोगों से भी मिलाऊंगा जो यहाँ पर लोग आए हुए, कई हजारों की तादाद में यहाँ पर है, और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, मैं लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा। राखी रावण जी भी है, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कार्यक्रम के बारे में। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम है। जो हमारे जवान शहीद हो गए थे उनके सम्मान में ये प्रोग्राम है, पूरे भारत से यहाँ लोग आ रहे हैं। ये बाबा साहेब के सम्मान में प्रोग्राम है, ये भगवान बुद्ध के सम्मान में प्रोग्राम है, और ये बहुजनों के सम्मान में प्रोग्राम है। ये हमारी ताकत का प्रोग्राम है कि लोग आज देखें कि कितनी बड़ी ताकत के साथ लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं रामलीला मैदान में। आप क्या कहना चाहेंगे, शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो यहाँ पर पूरा हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। निशा जी, शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो यहाँ पर पूरा हो पाएगा। मैं आपको और लोगों से भी मिलवाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक्टिविस्ट भी बहुत हैं। सर जय भीम, लोगों से जय भीम, कार्यक्रम है वो किस तरीके से पूर्ण हो पाएगा? आज का जो प्रोग्राम है, वॉलंटियर्स लगा दिए गए हैं,
और सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया हुआ है हम लोगों ने, लोग आए जा रहे हैं और हमने सिस्टम के तहत इस प्रोग्राम को सफल करेंगे। जी, प्रोग्राम को सफल करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। मैं आपको और लेके चलता हूँ जरा बाहर। निशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब हरियाणा में गए थे तो मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी। अनूप कुमार जी है हमारे साथ, जिसको भारत बंद में सबसे पहले एक गोली लगी थी। मैं जानना चाहूंगा सर, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम है हमारे समाज में 2 अप्रैल में जो क्रांति में शहीद हुए उनके लिए है स्पेशली। जी, और हम आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको भी सम्मान मिलेगा? मुझे अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं बाबा साहब का वंशज हूँ और इस क्रांति का भागीदार हूँ। आज जो ये सम्मान मिलेगा ये मेरे लिए सबसे बड़े मेडल से भी सबसे ऊपर है। ये गोल्ड मेडल से भी बढ़िया सम्मान है, अच्छा सम्मान है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये बहुजन जो शहीद हुए 2 अप्रैल को, उसका सम्मान देश के बहुजन जो क्रांतिकारी साथी हैं उनके लिए एक जोश भरने का काम है। और ये शहादत का दिन है, शहादत की सम्मान है। बहुजन समाज में इतिहास लिखा जाएगा कि 2 अप्रैल सरकारों ने अत्याचार किया था बहुजन सरकार पर, बहुजन समाज पर, उसको हम लोग आज शहादत रूप में मना रहे हैं। जो बहुजन समाज के जो नायक युवा हैं जयप्रकाश भाई वगैरह, इन्होंने बहुजन समाज नायकों को जो सम्मान दिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। जय भीम, बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। आगरा से हमारे मित्र है, सर आपको कैसा लग रहा है ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम? आंदोलन में शहीद हुए हमारे वीर सपूत, उनकी श्रद्धांजलि समारोह में का ये भव्य आयोजन हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भव्य आयोजन है और ये शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। सर आप कहाँ से आए? बिजिंदर सूद, मैं मेरठ से हूँ। मैं बहुजन क्रांति युद्ध ब्रिगेड का संस्थापक हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे और 2 अप्रैल के वीरों को समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में बाबा साहब का लहू है बाकी, तो जब तक तन में गर्व लहू का बंद भी है बाकी, बाबा साहब के अचल को नीलाम नहीं होने देंगे, बाबा साहब के अचल को नीलाम नहीं होने देंगे। मैं बताना चाहता हूँ जो 2 अप्रैल के अंदर जो शहीद हुए हैं उन्हें सम्मान मिल रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो भी लोग शहीद हुए उनको सम्मान मिल रहा है। मेरे साथ बहुत सारे पीछे और भी लोग हैं, मैं उनसे भी मिलाऊंगा। सर आज का प्रोग्राम जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा प्रोग्राम? आपका प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है कि हमारे समाज के यानी कि जो शहीद थे जिन्होंने आप अपने सर्वस्व यानी समाज के लिए उनको हमारी पूरी टीम सम्मानित कर रही है। हमारे साथ राजू बात कीजिए, इनके अभी अभी यहाँ पर गाना हुआ था और मैं पूछना चाहूंगा राजू जी, जो आज आपने गाना बहुत ही दर्द भरा गाना था, वो आपने गीत गाया बहुत शानदार गाना, मैं गाने के साथ साथ ये पूछना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये किस तरीके का, कैसा है, शानदार है, किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये एक सम्मान आत्म सम्मान की लड़ाई के लिए जिनने अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे लोगों का सम्मान हो रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा मिल सके कि कौम की खातिर जीवन निछावर करना बेकार नहीं होता, उसे समाज ऋण के रूप में रखता है और उसका ऋण तो नहीं चुका सकते लेकिन उसे समय समय पर याद करके उसकी वीरता और उसके बलिदान को समाज को बार बार बताया जा सके, वो अमर रहे वो भाई जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए अपनी जान गंवाई। जी, तो अमर है भाई जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपनी जान गंवाई। कितने राज्यों के लोग वहां पर आए हुए हैं ये प्रोग्राम देखने के लिए? निशा जी, हर देश के हर शहर से यहाँ पर लोग हैं, पूरी पूरे भारत के, चाहे कोई भी शहर हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी मोहल्ले से हो, किसी भी गली से हो, यहाँ पर हजारों की तादाद में ये रामलीला ग्राउंड जो है वो आज बोना साबित हो जाएगा। अभी सिर्फ 12 बजे का टाइम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 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 कारवा पड़ेगा यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी और शायद यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं होगी। मैं जानना चाहूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं उन शहीदों के बारे में कहना चाहूंगी जिन लोगों के माँ बाप इतने ऐसे अच्छे बच्चों को जन्म दिया है जो शहीद हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम मोदी नगर कांधलाबाद से हैं। प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, शहीदों के सम्मान में जो रखा गया है काफी अच्छा है और
आने वाले उनको और उत्साह मिलेगा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर आप भी बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सम्मानजनक प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम आगे होने चाहिए, होने चाहिए। ये प्रोग्राम ऐसे सम्मानजनक प्रोग्राम है। आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम और होने चाहिए? हाँ बहुत होने चाहिए प्रोग्राम। प्रोग्राम होने चाहिए। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारा समाज जाग चुका है, उनकी आवाज उठाने के लिए इस गुंगी बहरी बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जो हम सड़कों पर आएंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जो महागठबंधन हुआ है ये तुमको हरा करके छोड़ेगा। जय भीम। मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख को महागठबंधन भी हुआ है और बहन जी ने और अखिलेश ने दोनों ने महागठबंधन कर लिया और ये महागठबंधन जो है एक सॉलिड तरीके से उन मनुवादियों के दांत तोड़ने का काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि कामरेड तुफानी जी अपनी प्रस्तुति दें और आप लोग निशा जी मैं आपको और लोगों से भी मिलाना चाहूंगा जो कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल हुए और न जाने किसने शहरों से यहाँ पर पहुँचे। सर आप कहाँ से आए हैं? पानीपत से आया सर, हरियाणा से पानीपत से आया। हरियाणा पानीपत से आए हैं? हाँ जी सर। इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम संविधान बचाने के उपलक्ष में यहाँ आए हुए हैं। हम ऐसी कोई छेड़खानी हम नहीं होने देंगे अपने संविधान के साथ। शहीद हुए थे, आप शहीद नहीं होने देंगे? नहीं, हम शहीद नहीं होने देंगे। हम उन लोगों के साथ तय दिल से साथ हैं और ऐसा यदि कोई भी सरकार ऐसा कोई भी कदम करती है तो हम उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। 2 अप्रैल के शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, क्या दोबारा 2 अप्रैल होता है तो आप लोग रोडों पे आएंगे दोबारा? बिल्कुल आना होगा। इन देखो इसके लिए आना तो बहुत जरूरी है आना। बहुत सारे महापुरुषों को प्रेरणा स्रोत मानते हुए यहाँ पर सभी लोग लगे हुए। आप देख सकते हैं इतनी तादाद में सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। निशा जी मैं आपको बता दूं कि ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये जो लोग हैं ये सभी वो लोग हैं जो लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आज का जो प्रोग्राम है बहुजन समाज के लिए बहुत ही गर्व का दिन है क्योंकि जो हमारे 13 शहीद साथी हुए हैं 2 अप्रैल के लिए बहुजन समाज के हित के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम उनको दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और जिन साथियों ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया हम उनका दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी लोग 2 अप्रैल के जो भी शहीद हुए थे उन लोगों को सम्मान देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि लंबी लाइन कितनी है, कितने लोग लगे पड़े हैं यहाँ पर। सारे भीड़ जो है बहुत तादाद में आई है। बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं बच्चे भी गानों पे भी अपना एंजॉय भी कर रहे हैं और महिलाएं भी आई हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, युवती भी हैं, बहुत दरी दरी है। सर आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुजन जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके सम्मान में प्रोग्राम हुआ है और सभी लोग तन मन धन के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुजन युवाओं को संदेश जा रहा है कि अपने समाज के लिए तन मन धन से आगे आएं और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहें। जी तन मन धन से आगे आएं और अपने स्वाभिमान के लिए तैयार रहें। मैं महिलाओं से भी बात करना चाहूंगा, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है। कभी और ऐसे प्रोग्राम होंगे तो आप लोग पहुंचेंगे? पहुंचेंगे। मैं और लोगों से भी बात कराऊंगा। सर आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये उनके सम्मान में दिया जा रहा है जो 2 अप्रैल को हमारे भाई शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि दे के उनके स्टेचू स्थापित किए जाएंगे आज। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम? सर मुझे बहुत बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है और सभी को मैं जय हिंद नव बुद्धा बोलता हूँ। सभी कोई भी अभी तक ऐसा नहीं मिला कि किसी को प्रोग्राम अच्छा ना लगा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत भीड़ है और लोग भी बहुत लोग आए, पंचशील जय भीम के पटके भी। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? हमारे बहुत जिले में जितने प्रोग्राम होता है हमें सारे बढ़िया लगता है क्योंकि जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया वो किसी ने भी नहीं किया और अब जो सपा और बाबा साहब का गठबंधन हो गया है इससे निश्चित हो गया कि जो बाबा साहब का जो नारा था शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो, शिक्षित हो चुके हैं और संगठित भी हो चुके हैं, अब बस संघर्ष करना बाकी रह गया। 2019 में संघर्ष भी करने वाले और निश्चित ही जीत हमारी होगी और बहन जी पीएम बनेंगी और स्थिति बहुत जबरदस्त चल रही है। मैं और लोगों से भी अंदर घुस के थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। निशा जी आपने
क्वेश्चन एक ऐसा कर दिया था कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की प्रतिक्रिया। सर आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से आया हूँ, हरपाल सिंह जीवन एडवोकेट, भीम आर्मी का अधिवक्ता, और आज जो आया हूँ बालक राम जी के इनविटेशन पर आया हूँ यहाँ, और मैं उन शहीद बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ जो हमारे समाज की नर्सरी को बिल्कुल कुछ लोगों ने जो है बर्बाद कर दिया। जो समाज उन्नति करता है उसके अंदर जो लाल पैदा होते हैं उनको पैदा होते ही ख़त्म कर दिया गया। मैं समझता हूँ जिस समाज की नर्सरी समाप्त हो जाती है उस समाज में कभी वो वट वृक्ष तैयार नहीं हो पाते जिनको लोग पहले ही ख़त्म कर देते हैं। मैं आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ और समाज में सभी जगहों से लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बेटा आप बताओ, आपको आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया लगा। अच्छा लग रहा है? जय भीम। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। आप बताओ बेटा आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? उदय। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशी है। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। Yes, आप लोग जो 13 लोग शहीद हुए थे उन्हें सम्मान देने आए? Yes. और कौन कौन आया है आपके घर से? हमारे घर से ये सब आए हैं। सब फैमिली आई है? Yes, sir. जी कहाँ से आए हो आप? जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, और इस कार्यक्रम की जैसे हमें जानकारी हुई तो हम यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, और अपेक्षा करता हूं अगर समाज में कहीं प्रकार की कोई घटना होती है तो समाज के लोग इकट्ठा होकर कम से कम बात पर चर्चा करते रहें। अगर समाज में दोबारा कोई ऐसी एट्रोसिटी या कोई घटना होती है तो चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं और लोगों से भी मिलाना चाहूँगा। सर 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 पैसे बांट रहे हैं आप समाज में, बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों को आर्थिक रूप से भी जरूरत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा? बढ़िया प्रोग्राम सर, और जय भीम और मायावती जी को प्रधानमंत्री बना है इस बार। जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बात बार बार सुनने को आ रही है कि सम्मान प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है और बहुत शानदार भी है, और ये सम्मान प्रोग्राम होना भी चाहिए। इसके साथ साथ एक बार बार बात निकल के आ रही है कि बहन जी को प्रधानमंत्री 2019 में बनाना है, और मैं बता दूं कि कल 12 तारीख थी और 12 जनवरी को अखिलेश और बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन करके एक अपनी गठजोड़ दिखाया है, और उसमें शायद हो सकता है कि बहन जी इस बार 2019 में प्रधानमंत्री जरूर बनेगी अगर बहुजन समाज ने ईमानदारी से वोट दिया और मनुवादियों ने बेईमानी नहीं करी तो शायद बहन जी इस बार प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं भजनपुरा से। कैसा लग रहा है प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और अगर मुस्लिम और दलित एक हो जाए तो ये देश को बदल देगी दोनों जी। और जरूरत अब पड़ गई है कि दोनों को एक होना पड़ेगा, और जब तक एक नहीं होंगे इसी तरह कुचले जाएंगे। और इनका कहना है कि हिंदू है, दलित हिंदू है, हम कहते हैं कि हिंदू है तो हम भी तो मुसलमान हैं। अब एक दस्तरखान पे खाते हैं, एक दस्तरखान पे रहते हैं, कोई हमारे अंदर छुआछूत नहीं है। तुम कैसे हिंदू को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर छुआछूत है? इनके साथ शादी नहीं करते, इनके कुएं पर पानी नहीं भरने देते, इनको अपने साथ खाने नहीं देते, अपने साथ शादी नहीं कर देते। आपका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए दलित को हिंदू कहते हैं, बाकी कोई इनको ये नहीं। बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदू दलितों को हिंदू सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि वो मुस्लिम से लड़े और उसे लड़े, लड़ता रहे। पर बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि लड़ाई नहीं करनी है, अपना ईमानदारी से प्यार वापस। मेसर को सीनियर सिटीजन मेसर, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, और जो शोषित लोग हैं वे इकट्ठा हुए हैं अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, और जो लोग शहीद हुए थे 2 अप्रैल को उनको सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम हुआ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला शक्ति यहाँ पर बहुत तादाद में आप देख सकते हैं, यहाँ पर महिला ही महिलाएं हैं। मैं जानना चाहूंगा आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? बढ़िया लग रहा है। आप कहाँ से आए हैं? खोड़ा। अच्छा लग रहा है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। होने चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इस प्रोग्राम के बारे में?
अच्छा है प्रोग्राम? अच्छा है, सही है। आपको भी अच्छा लग रहा है? हम तो पहली बार आए, बहुत खुश है। शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। महिलाओं का भी यही कहना है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और ये सम्मान समारोह है। हमारे साथ जयप्रकाश जी भी है सर। आज का आपने ये जो आयोजन किया बहुत भव्य है और मैंने कई सौ लोगों से बातचीत की है, वो आपको दिल से साधुवाद भी कर रहे हैं। इसमें जो मेहनत हुई है वो भी मैंने कल रात को भी आपके साथ देखी, आप कंबल में भी घूम रहे थे धूप में, वो उसमें आपको मैं पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा, और ये मेरा प्रोग्राम नहीं है तो समाज का प्रोग्राम है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो ये समाज का अभी आपको अभी कल यहाँ पर मोदी जी का प्रोग्राम था जी, तो उनका प्रोग्राम कल फेल हो गया है जी, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पे देखी थी, भरी हुई थी, कोई नुकंजू सारा खाना बच गया था, जैसे नुकंजू बाटी थी, हाँ, तो उनका प्रोग्राम फेल हो गया था जी। तो इन जब इन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को दिखाया है उसमें, तो उन लोगों ने बॉर्डर पे जो है ना हमारी बसें रोक रखी है अभी। अच्छा, लेकिन लोग प्रयास में है, 1-2 बजे के बीच में सभी साथी पहुंचेंगे यहाँ पर। कितने लोग आने की आशंका है आपको? मुझे लगता है कम से कम 50,000 आदमी यहाँ पे आएगा। 50,000 आदमी मिनिमम, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है 25-30,000 आदमी तो आ चुका है। हाँ, लेकिन अभी तो हमारी बसें रुकी हुई है ना जी, हाँ, तो कम से कम 50 से ऊपर आदमी आएगा। 50,000 से ऊपर लोगों के आने की आशंका है। और मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर पे बहुत सारे बॉर्डर जो दिल्ली के आसपास के सारे बॉर्डर हैं, उन सब पे जितनी भी बसें आ रही थी उनको रोक दिया गया है, क्योंकि सरकार तो मनुवादियों की है, रोकेगी तो है ही, क्योंकि खलबली तो आज मच गई है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तो मनुवादियों की सोच में खलबली बड़ी जबरदस्त मच रही है। मैं आपको और लोगों से मिलता हूँ, एक बार मैं पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से मंच कैसा लग रहा है। मैं आपको मीडिया वालों से भी मिलाऊंगा, समता आवाज टीवी से मेरे साथ मनोज अंतानी जी भी हैं, मेरे साथ समता आवाज टीवी से हैं, यूटीवी तो आप देख ही रहे हैं पर समता आवाज टीवी से मनोज अंतानी जी भी हैं जो हर जगह हमारे साथ चलते हैं। सर कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? यूटीवी के माध्यम से जो कार्यक्रम को लगातार एक महीने से प्रसारित कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, मैं अपनी अव्यवस्था की वजह से या अस्वस्थ की वजह से इस कार्यक्रम का प्रचार नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे खेद है। नहीं, लेकिन हम हैं, बात एक ही है, लेकिन इस कार्यक्रम में लोग ना पहुंच पाए, जैसा कि अभी पता चला है कि बॉर्डर पर जाम लगाकर बसें रोकी गई हैं हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी 50,000 से ज्यादा की जो बहुजन समाज अपना सहयोग देने के लिए पहुंचा है, मैं बहुत दिल गदगद है कि बहुजन समाज के साथ कोई भी घटना घटती है तो ये पूरा बहुजन समाज इस टाइम इस पंडाल में कम से कम 25-30,000 आदमी, बिल्कुल उससे ज्यादा, 50,000 आने की और भी संभावना लगाई गई है और बॉर्डरों पे बसें भी रोक दी गई है। क्या आपको लगता है कि आज ये जो ग्राउंड है वो बोनस साबित होगा? आज ये ग्राउंड वाकई में बोनस साबित होगा और हम एक ऐतिहासिक दिन इसको बनाकर छोड़ेंगे जी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो पीछे आपने देखा सैकड़ों की तादाद में बहुजन मीडिया इस कार्यक्रम को कवरेज भी करी है, धन्यवाद गौतम, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मनोज अंतानी जी ने बताया कि कई हजारों की तादाद में तो लोग यहाँ पर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और भी लोग यहाँ पर हैं, मैं आपको और लोगों से भी मिलवाता हूँ। मौसम भले ही सर्दी का है पर आप देख सकते हैं कि मेरा और कैमरामैन का जो है पसीना छूटा हुआ है, यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही है पर फिर भी जोश इतना गर्म है सभी का कि पसीने भी छूट रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं और सब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करते हुए आ रहे हैं। मैं इस चीज को देख करके बहुत खुश होता हूँ कि हम लोग जो कहते हैं कि ग्रेट इंडिया, जी हाँ, ग्रेट इंडिया अगर कोई बनाएगा तो बहुजन समाज का ही लोग बनाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सीट अगर कम पड़ जाएंगी तो लोग ऐसे भी एक सीट पे चार चार पांच पांच लोग बैठेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। आपको कैसा लग रहा है आज का? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे आके हमें एडजस्ट करने के लिए भी तैयार है। आपको क्या सीट नहीं मिली? सीट मिली है, यहाँ पे फ्रेंड सिंगल में आए ना, इसलिए फ्रेंड के साथ ही बैठना चाहते हो, इसलिए एक दूसरे की गोद में। हाँ जी सर, कहाँ से? घोड़ा कॉलोनी।
आज घोड़ा कॉलोनी से। बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे। हाँ जी, युवा है, मैं आपको बता दूं निशा जी कि युवाओं की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा है, और चाहे वो महिला युवा हो चाहे वो पुरुष युवा हो। मैं और भी जानना चाहूंगा, मैडम आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। शहीदों को सम्मान देना चाहिए था? देना चाहिए था। सही लग रहा है? हाँ जी। तो आप उन शहीदों को सम्मान देने के लिए आए हैं? हाँ जी, यही पे आए। आपको कैसा लग रहा है? सब मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। अमर है। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरीके के आदमी होते हैं जो जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेबर ग्रीन भी करते हैं, और ना जाने किस किस तरीके से अपनी जीविका चलाने का भी काम करते हैं। मेरे साथ दिनेश प्रधान जी भी हैं जो दिल्ली पुलिस में है। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है जो बहुजन समाज के सम्मान में प्रोग्राम? बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी, शिक्षित तो बने रहा है और संगठन का परिचय आपके सामने है। जी जी, तो ये संगठन का परिचय ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम कदम है, और ये संगठन का परिचय समय समय पर हमें देते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे समाज की नहीं अभी तो संपूर्ण राष्ट्र का उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। और ये बात कहना कि ना चाहूँ धरती ना चाहिए, ना चाहूँ धरती ना आसमान चाहिए, मुझे सबके गौतम बुद्ध भगवान चाहिए। बहुत बढ़िया। ना धरती ना आसमान चाहिए, मुझे तो दिलों में गौतम बुद्ध ही चाहिए। हम कोई भी चुनाव क्या, मैंने आपको कुछ दिनों पहले शादी दिखाई थी, ऐतिहासिक शादी थी, परिवार वालों ने मना कर दिया था उस शादी को जाने के लिए। वो इसलिए मना किया था कि उनके परिवार वाले हिंदू धर्म से शादी कराना चाहते थे, पर लड़का और लड़की बौद्ध धर्म से शादी करना चाहते थे। आज जब घरवालों को पता चला कि बौद्ध धर्म से शादी होगी, तो उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। पर बराती तो यूटीवी की पूरी टीम और लाइव डॉट मुद्दा की टीम थी। मेरे साथ रवित भी है जिनकी शादी थी, यही वो दूल्हे हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया कि बुद्धिज्म से शादी की, और बाबा साहब और अपने सारे महापुरुषों को सम्मान देते हुए इन्होंने शादी की। सर, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? सबसे पहले तो दिल हो गया इसी बात का शौकीन दोस्तों, और सबको मेरी तरफ से प्यारा सा जय हो दोस्तों। आज की अगर बात की जाए आज के प्रोग्राम की, ये तो एक हमारा जो अधिकार है कि अगर हमारे लोगों को या हमारे सैनिकों को या हमारे जितने भी भाई हैं उनके साथ अगर कुछ गलत किया जाता है, तो हमें सरकार को या कोई भी सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस तरीके जैसे आज हम अपने शहीदों को सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं उनको, इसी तरीके से अगर हमारे समाज के साथ कोई घटना घटी जाती है तो ये बहुत फख्र की बात है हमारे लिए कि हमको इस तरीके से अगर सरकार हमारे साथ गलत करती है तो उनको इस तरीके से सम्मान किया जाए, सम्मानित किया जाए, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और बहुत बड़े फख्र की बात है। जी, और सम्मान अगर कोई हमारा ना दे हमें तो हमें छीन लेना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा था कि सम्मान हमारा अधिकार है। सर, आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, और आप बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और मैंने आपको कई जगह भी देखा हुआ है, आज की जो ये रूपरेखा बनाई गई, कार्यक्रम किया गया और प्रोग्रामों से ये अलग कैसे होगा? ये बिल्कुल अलग होगा। मेरे ख्याल से तो ये पहला कार्यक्रम है जहाँ पर बहुजन समाज के शहीदों का सम्मान किया जा रहा है। जी, पहला कार्यक्रम मेरी नज़र में। जी जी, मोटिवेट होता है कि हाँ हमें और भी काम करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखने से ऊर्जा मिलती है। अभी यहाँ पर ये एकदम बिल्कुल मोटिवेशनल कार्यक्रम है, बहुत मेरे जैसे युवाओं को यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी समाज के लिए कुछ करने की। भूषण जी, सर मैं जानना चाहूंगा आपका जो कार्यक्रम है सबसे अलग कैसे है? क्योंकि ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के मंच पर आप देख रहे हैं या तो बहुत कुत्तू है या वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज हम उन शहादत वाले जो परिजन हैं उनको नमन करेंगे कि आपने ऐसे लाए जन्मे जो हमें एकता की दौड़ में बांध कर चले गए। वो आज हमारे बीच में नहीं है, वो अपनी शहादत से, वो
पड़ी तो वो उनके जो बाकी बच्चे हैं उन्हें भी समाज पर कुर्बान करने के लिए आज यहाँ से बोल देंगे व्यक्तित्व देखो एक क्या हम सारे बच्चे भी कुर्बान कर देंगे समाज पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन ऐसे परिजनों को नमन करने के लिए नमन के लिए ये माल ये मंच सजाया है इसलिए ये प्रोग्राम हटके ये बात सही है कि ऐसा सम्मान प्रोग्राम अभी तक भारत में कहीं नहीं किया गया इसीलिए ये प्रोग्राम जो है वो बहुत हटके है। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाना चाह रहा हूँ और बहुत सारा मंच में प्रोग्राम भी चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि मन संचालक जो कर रहे हैं वो अनिल सागर जी कर रहे हैं जो कि बसपा के पूर्व महासचिव दिल्ली प्रदेश रहे थे। मैं सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हैं। और बाबा आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे ये प्रोग्राम 2 अप्रैल के बाद में दूसरा प्रोग्राम है जिसको मैं सराहनीय कह सकता हूँ बाबा साहब बाबू जी और मान्यवर काशी राम जी के शब्दों में। जी 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 जी। तो ये प्रोग्राम और होने चाहिए थे पहले से? ये प्रोग्राम वास्तव में पहले तो हमें शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए जिन जिन जिलों में हमारे नौजवानों ने आहुतियाँ दी है प्राणों की, हर जिले में एक प्रोग्राम होना चाहिए हर जिले में प्रोग्राम होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा भीम ज्ञान चर्चा के नाम से एक संगठन चलता है और एक हफ्ते में 32 से भी ज्यादा गांव में घूम चुके हैं। सर आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है, अति उत्तम जी, सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम और सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इस तरीके के प्रोग्राम होते? बिल्कुल होने चाहिए। यदि आपको गांव-गांव में जो है प्रचार प्रसार करना है, गांव-गांव में लोगों को जगाना है तो धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम होने ही चाहिए, तभी उनका हौसला हम बढ़ा सकते हैं। हौसला बढ़ा सकते हैं जब भी सामाजिक प्रोग्राम होंगे तभी हौसला बढ़ेंगे। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहता था इस संदर्भ में कि जहाँ जहाँ मैंने नौजवानों ने जिस गांव के नौजवानों ने देश और समाज के लिए आहुति दी है उनकी जो वहाँ मूर्ति लगे वहाँ भी एक प्रोग्राम हो। जी मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाबूजी ने जो कहा कि जहां मूर्तियां लगेंगी वहां भी प्रोग्राम होना चाहिए, बिल्कुल वहां भी प्रोग्राम होगा, ये सूची में पहले से ही दर्ज है बाबूजी, वो प्रोग्राम वहां भी होगा ऐसा ही, हर मूर्तियों की जगह। महिला शक्ति की अगर बात आती है और दिल्ली की बात आए और दिल्ली में पूनम अम्बेडकर का नाम ना आए तो शायद बेईमानी हो जाएगी। पूनम जी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा? देखिए वैसे तो दुख की बात है कि हमारे 13 बच्चे शहीद हुए, पर जो 2 अप्रैल को बच्चे शहीद हुए थे वो गुमनामी में जी रहे थे, अभी तक जो चले गए गुमनाम हो गए थे उनको शायद कोई याद करने वाला, क्योंकि कुछ सालों में भूल जाते लोग, लेकिन ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है जो उन शहीदों को दोबारा जिंदा करने का काम किया जा रहा है, उनके गाँव में उनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं जिससे बहुजन समाज उन गाँव में कभी भी जाए तो ये पूछे ये मूर्ति किसकी है, उनको पता चले कि बहुजन समाज के इन वीरों ने अपने अधिकारों के लिए जान दी और कुर्बान हो गए समाज पर, उनको सम्मानित और सम्मान देने के लिए उनके परिवार को हौसला अफजाई करने के लिए आज मैं यहाँ पर रामलीला मैदान आई हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। दिल में तो बहुत दुख है क्योंकि वो बच्चे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक तरह से ये भी है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, ये इस जो ये जो मंच लगा है यहाँ पर इन्होंने बालक राम बोध जी ने जो रखा है समाज को जागरूक करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर, पर मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में हमें किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे प्रोग्राम ना करने पड़े। मैं अंतानी जी से भी चाहूंगा, मिसेस अंतानी जी आप भी बताइए कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको यहाँ आकर के क्या ऐसा फील हो रहा है कि मुझे गर्व हो रहा है? गर्व हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है जी, गर्व तो मुझे भी बहुत हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि ये प्रोग्राम ही इस तरीके से किया गया है कि शहीदों को सम्मान है। क्या कहना चाहेंगे शहीदों को सम्मान के लिए? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व भी हो रहा है कि हमारे जो समाज के लोग हैं जागरूक हो रहे हैं और न माफ से दुख भी हो रहा है। जय भीम। हमारे समाज में लोग कहते हैं, समाज में लोग कहते हैं कि जिन भाई के जो गरीब हुआ ये
जहाँ पर दबा कुचला और गरीब जो समाज कहलाता था उसकी पूर्ति वो कहाँ से कर रहे हैं? सर आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। अरुण अन्ना गायकवाड़। कहाँ से आए? पुणे। पुणे महाराष्ट्र। कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। और आपको गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, और आपने सोने की चैन, सोने की अंगूठी, सोने की घड़ी, सोने का गोगल भी लगा रखा है। सोने का भी? सोने का। कितना किलो सोना पहन सकता है आप? एक किलो। एक किलो। अंदाजन इसकी कीमत क्या होगी? अंदाजेगा अंदाजन इसकी कितनी वैल्यू होगी? कीमत कितनी होगी? 50 लाख। दोस्तों कौन कहता है कि हम गरीब हैं? देखो एक एक किलो सोना लोग पहनते हैं। मैं तो शायद डेढ़ या दो तोला ही पहनता हूँ, पर यहाँ तो एक एक किलो। ये बहुजन समाज और ये बाबा साहब की ही मेहनत है जो लोग एक एक किलो भी सोना पहनते हैं। मंच जो है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं एक लड़की से और मिलाता हूँ जो पूरे हमारे युवाओं को एक ऊर्जा देने का काम करती है, मोनिका गौतम। मोनिका गौतम का अगर दिल्ली में नाम नहीं आया तो शायद इनके साथ भी बेईमानी होगी। कैसा लग रहा है सभी को? मैं क्रांतिकारी चाहती हूँ, और जैसा कि इस प्रोग्राम की हम लोग महीनों से तैयारी कर रहे थे, 2 अप्रैल में जो मेरे भाई सम्मान और पिता सम्मान लोग शहीद हुए थे, उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज मैं यहाँ पहुँची हूँ, और अपने लोगों की अपने समाज की एकता देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या ये एकता हमेशा बरकरार रहनी चाहिए? हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, और इतिहास गवाह है और समय हमारा गवाह है कि हमने समय समय पे अपनी एकता दिखाई है। सभी लोग एकता दिखाने के लिए लगे हुए हैं, और आप एकता देख सकते हैं। एक बार और मैं कैमरा से कहूंगा कि एक बार पूरा घुमा करके दिखाएं कि ये वो एकता है जो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, और मैं देखिए कितना गौरवशाली है, कितने लोग यहाँ पर है। मीडिया की तादाद बहुत है, एंड तक आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं, भीड़ का अंदाजा भी नहीं लग सकता कि कितने लोग आ रहे हैं। सम्मान की अगर बात हो रही है तो सम्मान उन लोगों को भी मिल रहा है कि जिनको बेवजह जेल में ढूंसा गया और डाला गया। जी हाँ, मैं दीपक जी से मिलाना चाहूंगा जिनको भी जेल की हवा खानी पड़ी। सर आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। आने वाले समय में पूरे तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हम बहन जी के लिए और जो बहुजन समाज के लिए ऐसे आंदोलनों में हम भाग लेते रहेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। परिणाम कुछ भी हो आप डरेंगे नहीं, डरते भी नहीं है, मैंने भी आपको कई बार देखा है। क्या ये डर मनुवादी सरकार और डालने की कोशिश नहीं कर रही थी आप लोगों को जेल में ठूसने से क्या होगा जब हम डरे नहीं है? पहली बात तो ये कि ठूस लो, लेकिन हम तो सक्सेस है अपने हिसाब से, तो हम डरेंगे नहीं, चाहे इससे भी ज्यादा कुछ हो जाओ हम डरेंगे नहीं। अगर दोबारा 2 अप्रैल का 2 अप्रैल दोबारा से होता है तो आप रोड पे आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैं युवाओं से तो बात कर रहा हूँ, पर हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। सर अगर 2 अप्रैल का दोबारा से अगर इस तरीके से कोई वो होता है तो आप भी उस आंदोलन में हिस्सा लेंगे? निश्चित रूप से, कोई भी आंदोलन के लिए पहले से ही, लेकिन मेरा ये कहना है सीनियर के नाते कि कोई भी आंदोलन चले कुछ चले उसकी रूपरेखा उसका रोड मैप हम पे पहले से तैयार होना चाहिए, जिससे कि इतनी भारी संख्या में ये ट्रेजेडी ये शहादत हमारे बच्चों की ना हो, और कुछ जो है नतीजा आए तो उससे पूरा प्लानिंग हमारे पास होना चाहिए, पूरा तरीका होना चाहिए, और जिससे जो है कौन कौन आदमी हम पे जो उस टाइम जो से ज्यादा हमला करता है, क्या कारण है कि उनका एक भी लड़का नहीं पकड़ा गया और हमारे अभी भी सैकड़ों आदमी जो है जेलों में बंद है, और क्या कारण है चुनाव इतने बिल्कुल सर पे आ चुका है इसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा जा रहा। आपको बता दूं कि बहन जी ने कांग्रेस को एक जवाब देकर के ये भी कहा है कि जो भी लोग पीड़ित हैं या जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और उस पर विचार हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा सर आज का प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? मैं इस मंच के माध्यम से और यहाँ से कहना चाहूंगा,
दुनिया में नहीं आए थे तब भी ये दुनिया थी, और जिस दिन नहीं होंगे तब भी ये दुनिया होगी। लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा जो मैसेज है वो यही है कि जीते जी हमें साबित करना है कि हम जिंदा हैं, और मरने के बाद लोगों दिलों में जीवित रहे, ऐसा कुछ करके जाए। मैं आपको मोदी नगर से आए हुए ऐसे बहुत जी जो लाइव लॉर्ड बुद्धा के उपाध्यक्ष भी हैं, मैं सर जानना चाहूंगा कि आज जो इस प्रोग्राम में आप आए हो विद फैमिली, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, उन शहीद जवानों को नमन है जिनकी वजह से आज एक क्रांति की ज्वाला जली है, और आज यहाँ से लोग जो भी आएंगे निश्चित रूप से प्रेरणा लेके जाएंगे जी कि आने वाले समय में हम जो है ऐसे क्रांतिकारी विचार पैदा करें, ऐसे जनरेशन को आगे बढ़ाए कि जो आज आने वाले संकट को, जब संविधान पर संकट दिखता है वो हम की गति केंद्र की सत्ता तब जाके उसे हम संकट को दूर करें, और ये होगा जी। एक ज्वाला है, छोटी सी ज्वाला है जो आज बहुत बड़ी चिंगारी बन के सामने दिख रही है, तो ये बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है, उन शहीद जवानों को हमारा सब नमन है जी जी, और सभी लोग नमन कर रहे हैं, और इस नमन को करने के लिए मैं भी बहुत दिल से आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत मंगल कामना इन आयोजित कमेटी को देना चाहूंगा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम हो रहा है क्या महिलाओं को भी वो प्रेरणा देगा? बिल्कुल देगा, सभी को देगा, क्योंकि जितनी महिलाएं आगे आएंगी उससे परिवार जुड़ेगा, और परिवार जुड़ेगा तो एक समुदाय बनेगा, और समुदाय बनेगा तो एक विशाल जन समूह पैदा होगा, तो महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा इसमें है और रहेगी, और एक एक आग बन के बच्चों में भी एक आग बन के ये भड़केगी, और हमारा प्रोग्राम बहुत सफल रहेगा, मिशन बहुत आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपके ऊपर दोबारा कोई अटैक करता है या एट्रोसिटी होती है तो आप उसका जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, हर तरीके से तैयार है, तन से मन से धन से हर तरीके से तैयार है जी। महिलाएं भी इस कदर जोश में है कि अगर इस तरीके की कुरीतियां दोबारा से की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए महिलाएं सबसे आगे होंगी। ये तो इतिहास भी रहा है कि हमारी महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा आगे और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहती हैं। किसी भी तरीके का और किसी भी रूप में ताड़ना जो है वो झेली नहीं जाएगी, और उसके ही समकक्ष में जो चले थे, मैं बताना चाहूंगा सर आप भी जेल गए थे, ये 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पीड़ित किया गया, बहुत ज्यादा पीड़ित किया गया, और हम पर जातिगत सूचक गाली देकर अत्याचार किया गया, और इसमें सभा पुलिस वालों का और प्रशासन का हाथ था। अगर प्रशासन अगर मनुवादी नहीं होता तो क्या आपके साथ इतनी एट्रोसिटी होती? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ना ही सोचने को मिलता कि हम मनुवादी सरकार के अंदर थे जी। सर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, क्या आपके गेम में भी इस जातिवाद का या मनुवाद का फर्क पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद भी जातिवाद का हमें 2 अप्रैल के बाद जो हमें ये दंश झेलना पड़ा, 2 अप्रैल में हम किसी तरह से उसके से बचे, लेकिन एक नाम होने के साथ एक टारगेट किया गया मेरठ जिले में से, और जान पूछ कर ऐसे खतरनाक धाराएं लगाकर हमें अंदर किया गया, जिसका खेल में प्रभाव पड़ा, मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया मेरा पूरा का पूरा कैरियर जी जी। मीडिया ने भी काफ़ी मतलब इस तरह से पेश किया है कि एक गुनाहगारी है पुराने खेल, जबकि देश के लिए साउथ अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश में भारत का झंडा अपने कंधे पर लगाया है, उसके बावजूद अपने ही देश में जातिवाद का शिकार होना पड़ा और देशद्रोही जैसी धाराओं में जेल में जाना पड़ा जी। अगर सरकार मनुवादी नहीं होती तो शायद इस तरीके की कुरूतियां हमारे खिलाड़ियों के साथ भी नहीं होती। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी पीड़ित हैं इस चीज से जी, जी। तो क्या आज का जो सम्मान प्रोग्राम है ये आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए अब से पहले सबसे पहली पहल है ये, और बहुत ही अच्छी पहल है, उन शहीदों को इस देश के अंदर दिखाना है जिन्होंने अपने ऊपर गोली खाकर इस बहुजन समाज के एक्ट को बचाया। जो भी सरकार है या कोई भी मतलब कोर्ट है, जो भी हमारे संविधान को या एक्ट के खिलाफ बोलेगी
या उसको खाने की कोशिश करेगी, हम उसके हलक में हाथ देकर निकाल लेंगे। बहुजन समाज की तादाद इतनी है, 2% भारत में 1% लोग थे, अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस बार 100% लोग सड़कों पर होंगे। और बीजेपी सरकार को उखाड़ना मेन मकसद हमारा है। हम जेल से डरने वाले लोग नहीं है, हम गोली खाने वाले लोग नहीं है, हम उद्धम सिंह के मानने वाले लोग हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं जो भौंकते हुए कुत्ते का मुंह बंद करना अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, एकलव्य है जो भौंकते हुए कुत्ते का मुंह बंद करना जानते हैं। और अब बहुजन समाज में वो ताकत आ चुकी है कि किसी भी मनुवाद की सोच वाले व्यक्ति को, जी हाँ मैं दोबारा से वही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी मनुवाद की सोच वाले व्यक्ति का मुंह तोड़ सकते हैं। मैं आपको एक बेबाक पत्रकार से मिलवाता हूँ जो कि प्रताप हादसे हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम है आपको कैसा लग रहा है? जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुशील बालेश्वरी, पर्दाफाश लाइव से। जस्ट अभी मैं थोड़ा सा लेट हुआ इस कार्यक्रम के लिए और देख रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पर जो शहीद उस दिन 2 अप्रैल को बच्चे हुए थे उनको आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देने का काम किया जा रहा है। बखूबी तौर से मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, बहुत जरूरी है समाज को संदेश देने के लिए, बहुत जरूरी है समाज को सम्मान देने के लिए। नवाजा गया और कई संगठनों को व समाज सेविकों को समाज में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर सत्य शोधक रत्न से भी नवाजा गया है। दोस्तों, ये आयोजन भोजन मिशन 2019 द्वारा किया गया। आयोजक कर्ता थे समाज सेविक बालक राम बौद्ध, जय प्रकाश सिंह, संजीव बौद्ध, अनिल सागर, प्रिंस प्रभाकर, अनिल गौतम, भारत गौतम व अन्य साथियों ने अहम भूमिका निभाई। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।